से अगर गेनिंग हो जाए, बढ़िया गेनिंग हो जाए, आपका मसल जो है मसल टिश्यू बढ़ जाए, साथ में साइड इफेक्ट मिनिमम हो, तो क्या बात है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज तीन ऐसे साम की बात कर रहा हूँ जिसके साथ आप बढ़िया बल्क गेनिंग कर सकते हैं, हार्ड मसल गेन किया जा सकता है। सबसे पहले मैं नाम लूंगा ऑस्ट्रियन का MK2866। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों में, मैं ये बिगनर साम कहता हूँ, इसको माइल्ड है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरडोज पे इसके साइड इफेक्ट मिलते हैं, डोज जो इसकी होगी 15 से 20 mg तक ही रखें, ठीक है। 25 mg तक ज़्यादा लास्ट है ये, पर 20 mg तक ही आपको सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। 4 से 6 वीक की साइकिल चला सकते हैं, मैंने 4 वीक की साइकिल बताई है अपने चैनल पे। अगर 8 वीक की भी चलानी है तो थोड़ी आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ट्राइबुलस वगैरह नेचुरल टेस्ट है बूस्टर, तो चाहे 4 वीक की साइकिल हो चाहे 8 वीक की साइकिल हो, आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ऑस्ट्रियन की थोड़ी लंबी साइकिल चलाई जा सकती है, ठीक है, पर सेफ साइड में 4 वीक। अच्छा, ऑस्ट्रियन के साथ बल्किंग बढ़िया होगी, ऑस्ट्रियन इवन उनके लिए भी बढ़िया है MK2866, जिनको जॉइंट्स वगैरह में इशू है, जो कहते हैं कि ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते, जॉइंट से कट कट की आवाज आने लग पड़ती है, ठीक है, उनके नेचुरल तरीके से भी उसको ठीक किया जा सकता है। इस कट कट की आवाज को या जॉइंट पेन को, या अगर जॉइंट में कोई आपको दिक्कत हो रही है, कार्टिलेज वगैरह घिस गया, ऐसी चीज़ें जिनको भी प्रॉब्लम है, तो वो जो है MK2866 को, ऑस्ट्रियन को ले सकते हैं। उससे आपके जॉइंट्स भी हील होंगे, बढ़िया सिनोवियल फ्लूइड वगैरह जो जॉइंट्स का फ्लूइड है वो भी बढ़िया क्रिएट होगा, और आपकी बॉडी जो है ओवरऑल बल्क भी गेन करेगी, मसल भी गेन करेगी। हाँ, डाइट क्लीन रखिए, मसल गेन ज़रूर करेगी और जो है जॉइंट्स को भी हील करेगी। ये सबसे पहला था ऑस्ट्रियन, जो है मैं कहूँगा बिगनर साइकिल साम जो है बहुत ही बेनिफिट देगा बिगनर्स को गेनिंग के लिए। इवन थोड़े इंटरमीडिएट भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी डोज बढ़ा के। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है हमारा LGD4033। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, LGD4033 बढ़िया है बल्किंग के लिए। टेस्ट जैसे टेस्टोस्टेरोन है वैसे ही उसका ही काम करता है, कह सकते हैं अगर हमने साल में उसको रिप्लेस करना हो तो LGD4033 ही बढ़िया काम करता है। मैं एक चीज़ बता दूं, अपने कोई भी चीज़ लेनी हो अपने डॉक्टर और कोच से ज़रूर कंसर्न किया करें, ठीक है। LGD4033 वो सब बेनिफिट देगा, पर इसका एक नुकसान है, ये वाटर रिटेन करना शुरू कर देता है, एक जिसको कहते हैं डर्टी बल्किंग जो है, थोड़ी गंदी टाइप की बल्किंग भी दे देता है। अगर आप जो है अपना ध्यान न रखें लीन मसल गेन के लिए, आपको लीन और जो बढ़िया डाइट होती है क्लीन डाइट ही लेनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप क्लीन डाइट से थोड़ा भी आगे पीछे जाते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं, सॉल्ट वगैरह बढ़ जाता है, या जंक फूड वगैरह आप इंजॉय कर रहे हैं, तो आपको LGD4033 नुकसान ज़रूर देगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये टेस्टोस्टेरोन टाइप का ही काम करता है, तो वाटर रिटेन तो ये ज़रूर करेगा, ठीक है, जिसके कारण जो है पफिनेस सी आ जाएगी, वेंस वगैरह अगर विजिबल है तो वो चली जाएंगी, ठीक है, उसका ध्यान देखना ताकि वाटर रिटेन ना करे बॉडी, और क्लीन गेनिंग हो तो LGD4033 से की जा सकती है बढ़िया क्लीन डाइट के साथ, ठीक है। थर्ड जो है, मैं थर्ड इसलिए कहा इसको क्योंकि ये तीनों में जो मैंने बल्किंग के हैं मेरे सार में जो है मुझे फेवरेट लगते हैं तीनों ही चीज़ें, सार जो है बहुत बढ़िया है बल्किंग में, तो मैंने थर्ड जो है RAD 140 का नाम लूँगा, क्योंकि ये इन तीनों में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। हालांकि इससे भी स्ट्रांग है, हम बात करेंगे इवन जो कटिंग वाले सार में है वो भी बेनिफिट देते हैं हार्ड मसल गेन में, जो जिसको कहते हैं ड्राई लुक के साथ हार्ड मसल गेन होता है वैसा भी है, वैसे साम भी हैं इससे ऊपर भी हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, S4 को भी यूज़ किया जा सकता है वैसे ड्राइनेस के लिए और हार्ड मसल गेन के लिए, पर थर्ड मेरी लिस्ट में जो है RAD 140 है। RAD 140 के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये बेनिफिट आपको देता है हार्ड मसल गेनिंग में। और सिंपल सी चीज़ है, इसमें जो है अगर आप डाइट अपने ध्यान में रखो तो ये आपको ज़्यादा ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि वाटर रिटेन करेगी बॉडी की नहीं, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन वगैरह नहीं करता, बस ये है कि अपनी थोड़ी डाइट पे ध्यान रखो बस, ठीक है। वैसा नहीं है LGD4033 का कि थोड़ा भी आप आगे पीछे हुए तो वाटर रिटेन थोड़ा होना ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि LGD4033 जो है टेस्टोस्टेरोन टाइप की चीज़ है, ठीक है। अब ये RAD 140 आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिम में बहुत ज़्यादा वर्कआउट आप कर पाओगे, स्टेमिना बढ़ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फ्रेंड्स। RAD 140 आपका स्टेमिना बहुत बढ़ाता है, RAD 140 से आपकी लिफ्ट बढ़ेगी, पावर लिफ्टर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, आप ज़रूर बढ़िया लिफ्ट कर पाओगे, अपनी पिक जो है ईजिली बढ़ा सकते हो आप RAD 140 के साथ, ठीक है। और गेनिंग में भी ये बहुत बढ़िया देता है, और लीन हार्ड मसल गेन करता है। प्रोटीन रिच डाइट रखो, कॉम्प्लेक्स कार्ब वगैरह आपने मेंटेन करके रखो, और मैं कह रहा हूँ RAD 140 तो बहुत ही बढ़िया होगा आपको
बल्क गेन करने के लिए, वो भी लीन हार्ड मसल गेन करने के लिए। वैस्कुलरिटी वगैरह भी विजिबल होगी, जिसके कारण बढ़िया पंप आएगा जिम में। स्टैमिना स्ट्रेंथ तो क्या बात है उसकी, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है रैड 140 का। और रैड 140 जो है महंगा भी नहीं है, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि रैड 140 जो है महंगा भी नहीं है। हालांकि इसके ऊपर जो सार्म है वो महंगे भी हैं, जो मैंने नहीं नाम लिए यहाँ पे क्योंकि वो थोड़े एडवांस है, वो महंगे भी हैं, प्राइस ज़्यादा है, पर रैड 140 भी बहुत बढ़िया काम करता है। अब मैं डोज बता देता हूँ, जो ऑस्ट्रिन की डोज है वो है 10 से 20 mg, मैक्स 25 mg पर डे, ठीक है। जो हमारा LGD 40/33 है वो 10 mg ही आपको बेनिफिट दे देगा पर डे। 10 mg भी यूज़ करोगे, 4 वीक की साइकिल भी चला ली वो भी बेनिफिट देगी। PCT कर लेना LGD 40/33 के साथ। अच्छा, थर्ड जो रैड 140 है, इसकी जो डोज है वो आप जो है नॉर्मली जो है 20 mg तक लेके जाएं, उसी में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 10 से 20 mg में ही ये बेनिफिट दे देता है रैड 140। बहुत बढ़िया, ज़्यादा डोज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 20 से ज़्यादा मत करना, सेफ साइड में इतना ही रखिए, 10-20 वही आपको बेनिफिट दे देगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।